नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। यूपी में अखिलेश की चुनावी बोतल से निकला जिन्ना का जिन लगता है वोट पड़ने के बाद ही अंदर जाएगा। एक दो बयानों के बाद अखिलेश तो अब इस पर खामोश हो गए, लेकिन बीजेपी ने उनके बयान को ऐसा लपका जैसे एक कैच पर पूरी टीम ही आउट करती हो। अखिलेश का यह बयान विरोधी पार्टी बीजेपी के मन माफिक था, उसे फायदा पहुंचाने वाला था, यह अखिलेश समेत सभी को पता था। तो सवाल उठता है कि उन्होंने चुनावी पिच पर जानबूझकर कमजोर शॉट क्यों खेला। उनके जैम का मतलब है जैसे जिन्ना, ए से आजम खान और एम से मुक्ता। देश गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा। क्या जरूरत थी चुनावी जिन्ना को लाने की, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता ने जिन्ना को लाकर खड़ा कर यादव जी अपना नाम बदल करके श्री अखिलेश अली जिन्ना रख ले और अपनी पार्टी को समाजवादी पार्टी की जगह जिन्नावादी पार्टी बना लो। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़कर के बैरिस्टर बनकर के आए थे। जिन्ना के जिन को बोतल से तो अखिलेश ने निकाला था, लेकिन अब इसे इशारे पर नचा रहे हैं बीजेपी के नेता। हर रैली, हर सभा, हर मंच पर बीजेपी के तमाम दिग्गज यूपी की जनता को याद दिलाना नहीं भूलते कि देश को बांटने वाले मोहम्मद अली जिन्ना अखिलेश यादव के लिए पूजनीय हैं। गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, बीजेपी अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, डिप्टी सीएम, किसी ने भी ना तो जिन्ना को छोड़ा ना अखिलेश को। यूपी में शायद ही कोई ऐसा दिन बीत रहा हो जब जिन्ना का जिक्र ना हो। अब थोड़ा और आगे बढ़कर विरोधियों पर बीजेपी के हमलों की मिसाइल पाकिस्तान तक जा पहुंची है। याद करिए, जिन आतंकवादियों ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर हमला किया था, उन आतंकवादियों के मुकदमों को बड़ी बेशर्मी के साथ पिछली सरकारों ने वापस लेने का कार्य करने की सलाहत रची थी। और भाइयों बहनों, जो ये दंगाई है, जिन्ना के अनुयायी है, ये गन्ने की मिठास को क्या समझ पाएंगे। 4.5 साल से शांति के मार्ग पर हम सब बढ़ रहे हैं। 4.5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ, ना कोई फसाद हुआ, लेकिन आज चुनाव आते ही अखिलेश जी को जिन्ना याद आने लगे हैं, ओवैसी जी को दंगा याद आने लगा है। लोग माहौल खराब करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश का। आज उत्तर प्रदेश में मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है, एक भी दंगा नहीं हुआ, मुसलमान हिंदू दोनों मिलकर उस निर्णय को स्वीकार किए और एक भव्य मंदिर बनने जा रहा। अब सवाल उठता है कि यूपी के चुनाव में अचानक से जिन्ना कहां से प्रकट हो गए। शुरुआत अखिलेश ने की थी 31 अक्टूबर की हरदोई की रैली में। जाहिर है सवाल भी उन्हीं से होंगे। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ चुका एक नेता यूं ही तो कुछ बयान दे नहीं देगा, लिहाजा यही माना जाएगा कि उन्होंने जो कुछ कहा सोच समझ कर कहा। तो पहला सवाल यह है कि क्या अखिलेश बीजेपी के हिंदुत्व की काट मुसलमान वोटों में तलाश रहे हैं? दूसरा सवाल है कि क्या अखिलेश को यह लगता है कि भारत के मुसलमान जिन्ना को हीरो मानते हैं? तीसरा सवाल है कि क्या अखिलेश को ओवैसी से मुस्लिम वोटों के बंटवारे का डर है? और चौथा सवाल है कि क्या अखिलेश अपने पिता के मुस्लिम यादव फॉर्मूले को आज भी जीत की गारंटी मानते हैं? अखिलेश शायद इन सवालों के जवाब ना दें, लेकिन जिन्ना के पिच पर वो जिस तरह से डटे हुए हैं उससे सारे जवाब खुद ब खुद मिल जाते हैं। उस समय पर ये भी तय था कि अखिलेश के इस जिन्ना प्रेम को बीजेपी किस कदर तूल देकर चुनाव में भुनाएगी। पूरे यूपी में घूम घूम कर कार्यकर्ताओं की क्लास लगाते बीजेपी अध्यक्षों या पीएम के साथ यूपी में विकास का मंच सजाकर बैठे सीएम जिन्ना को कोई नहीं भूलता। गन्ने की मिठास को कुछ लोगों ने कड़वाहट में बदल करके यहां पर दंगों की एक जो श्रृंखला खड़ी की थी, आज ये देश के अंदर एक नया द्वंद्व बना है कि देश गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा
या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा। और यही तय करने के लिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं स्वयं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। पटेल ने देश को एक आत्मा को शारीरिक रूप से ऊपर से नीचे तक छोड़ने का काम किया और देश को खंडित करने का काम जिन्ना ने किया। और आज जो लोग जिन्ना को याद करते हैं उनको चुनाव में मुंह तोड़ जवाब देना ये राष्ट्रवादी ताकतों का काम होता है। इसको तो क्या ये माना जाए कि जो हो रहा है खुद अखिलेश भी यही चाहते थे? ये अजब हाल है कि यूपी चुनाव में ना तो कोरोना की दूसरी लहर में मचे हाहाकार की बात हो रही है, ना रोजगार और ना भ्रष्टाचार की। ऐसा लगता है कि सारे वोट महज दो रंगों में बटे हैं और चुनावी तस्वीर या तो भगवा या हरे रंग से बनाना ही मजबूरी बन चुका है। वही लोग हैं जाने अनजाने में उनके मुंह से निकल जाता है, यही जिन्नावादी हैं जो राम भक्तों पर गोली चलाते हैं। और जब भी ये जिन्नावादी आएंगे राम भक्तों पर इसी प्रकार से गोली चलाएंगे। अलीगढ़ से अकरम खान और श्रावस्ती से पंकज वर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। तो बात दरअसल अपने अपने वोट बैंक की है। बीजेपी अपने हिंदुत्व के एजेंडे पर बेबाकी से आगे बढ़ रही है तो अखिलेश को अपने पिता मुलायम सिंह यादव का पुराना और आजमाया हुआ MY यानी मुस्लिम यादव फॉर्मूला अब याद आ रहा है। लेकिन अखिलेश की मुश्किल ये है कि अब मुस्लिम वोटों के वो अकेले दावेदार नहीं रह गए। जानता है कि ओबीसी समाजवादी पार्टी के एजेंट बनकर के प्रदेश में भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहे हैं। बाकी विरोधी दलों से अलग अखिलेश यादव को इस बार योगी विरोध की सियासत में सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। वो पूरे उत्तर प्रदेश में रैलियां कर रहे हैं, समाजवादी विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं, जनता को योगी सरकार की खामियां और नाकामियां गिना रहे हैं। लेकिन इतना सब करने के बाद भी जिन्ना के रास्ते बात हिंदू मुसलमान पर आ ही जाती है। आलोचना करने वालों को कुछ भी लगे लेकिन अखिलेश जो कर रहे हैं उनके पास उसकी बड़ी और वाजिब वजह है। दरअसल 2017 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था। इस साझेदारी में दोनों को यादव वोटों का 80%, मुसलमान वोटों का 70% और अगड़े वोटों का 16% हासिल हुआ था। लेकिन तब से अब तक बात बदल चुकी है। अखिलेश और राहुल की यूपी के लड़कों वाली जोड़ी टूट चुकी है। कांग्रेस के लिए प्रियंका इस बार पूरी ताकत झोंक रही हैं, तो ओवैसी भी पूरे दम से यूपी में तंबू ताने हुए हैं। जब इतने लोग साथ हैं और सब दल के झंडे हमारे साथ हैं तो इतनी रंग बिरंगी पार्टी किसी के पास नहीं होगी। इतने रंगों को जोड़ करके आगे चलने का काम किसी ने नहीं किया होगा। समाजवादी लोग सब रंगों को जोड़ करके एक शानदार और खूबसूरत गुलदस्ता बनाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में करीब 19% मुस्लिम मतदाता हैं, जो करीब 143 सीटों पर अपना असर रखते हैं। करीब 3 दर्जन विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम उम्मीदवार अपने दम पर जीत सकते हैं, जबकि करीब 107 सीटें ऐसी हैं जहां अल्पसंख्यक मतदाता नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। ओवैसी मुसलमानों की इसी ताकत को अपने झंडे तले लाना चाहते हैं। तुम 19% हो और उसके बावजूद भी ना तुम्हारी वोट की अहमियत ना तुम्हारी जान की कीमत से गुजारिश है कि मर्ज का इलाज हमारे पास है। ये मर्ज का इलाज हमारे पास है और उस मर्ज का इलाज ना समाजवादी पार्टी के पास है ना कांग्रेस के पास। जाहिर है असली लड़ाई अपने कोर वोट बैंक को लेकर है। दूसरे के वोट बैंक में जितनी सेंध लग जाए उतना अच्छा, लेकिन अगर अपना वोट बैंक छिटक गया तो समझो जमीन खिसक गई। समाजवादी पार्टी बनती बीजेपी का एजेंट है, कांग्रेस
ऐसी खुलासा की है। मैं समाजवादी पार्टी से बीजेपी से कहना चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव मेरी खातिर एक जगह बैठकर तय कर ले कि मैं किसका एजेंट। मुसलमान वोटों के लिए छिड़े इस संग्राम में बीजेपी के पास खोने को कुछ नहीं है, उल्टे हिंदुत्व के नाम पर उसे वोट बैंक बढ़ाने की उम्मीद दिख रही है, लिहाजा बीजेपी दिग्गज पूरी ताकत से चोट मार रहे हैं। वृंदावन बिहारी लाल की, यहाँ पर मैं चेतावनी दूंगा उस व्यक्ति को जो यहाँ पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर फिर से भावनाओं को फड़काने का कार्य कर रहा है। और भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर चाचा जान और अब्बा जान के अनुयायियों से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर सख्ती के साथ सरकार निपटना भी जानती है। बीजेपी के लिए एक बड़ा फायदा ये भी है कि ओवैसी की बढ़ती ताकत सबसे बड़ा नुकसान अखिलेश को ही पहुंचाएगी, जिसका सीधे तौर पर फायदा बीजेपी को ही मिलेगा। आज तक ब्यूरो। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।